सत श्री अकाल, अदाब, नमस्कार मेरे सारे वीरां, मेरिया भैनों नू। अज आप है माउंट गैंबियर की धरती के उत्ते, क्रैटर लैक्स के उत्ते। तो क्रैटर लैक्स है अपने लागे वैली लैक आ, ब्राउनस लैक आ, लैग मॉडर्न लैक है, तो ब्लू लैक है, पर पानी सिर्फ वैली लैक एंड ब्लू लैक के बच्चे। अपने पिछे सेंटेनरी टावर आ, तो आ एरिया जोड़े देखते पे हो तुम, आज तो 5000 तो लैके 8000 सालों के बिच बने हैं वोल्केनिक इरप्शन के नाल। तो उस इरप्शन भी आनी भी इको टाइम च हो गई, इतने कई इरप्शन हुई ब्लू लैक के तो दो हुई, इतने वक्रे वक्रे टाइम हुई भी पता नहीं किन्ने सौ सालों के वक्री वक्री इरप्शन के नाल एरिया बनया हुआ है, बड़ा सोहना एरिया है। तो जी जानकारी मैं तेरे अब शेयर कर लगा, शायद तुम्हें नहीं पता होगा, आस्ट्रेलिया के भी वोल्केनो से अज भी है, एक दा जिथे मैं खड़ा आही है वोल्केनो सीगा, आ डोरमेंट है इस वेले। डोरमेंट मीनस ही आ सो रहा है इस वेले, भी सुता होया भी एक्टिव नहीं गा, पर एक्टिव हो सकता है आने वाले टाइम दे विच। ते जिहड़े साइंसदान ने अपने साइंटिस्ट इतों के, उन्हां दा मानना है भी अगले 5000 सालों च या 10000 सालों च भी दोबारा इरप्शन हो सकती है इतने। तो सब तो यंग वोल्केनो जिहड़ा अपने पास्ट में जरा लेटेस्ट होया है, वह है माउंट शैंक, वह 5000 साल पहला उत्थे इरप्शन हुई थी, उत्थे भी लेके जाऊँगा तुम्हें अगलिया वीडियो के। तो फिलहाल की घड़ी आप क्रैटर लैक्स से हाँ, थले पिकनिक एरिया बनाते इन्होंने झीलों के आले दुआले, डिस्क गोल्फ खेडन लिए नेचर रिजर्व आ जिथे जंगली जानवर कंगारू वगैरह जो होर पंछी रेंदे उत्थे लागे झील के लागे। ब्लू लैक है वो अपने अपने आप के ही एक करिश्मा है दुनिया के, जिदा पानी गर्मियों के प्रोपर ब्लू नीला हो जाता है, जितों का नाम बने ब्लू लैक। तो सियालों के पानी ग्रे हो जाता है गर्मियों के, क्योंकि सूरज दी किरणा वो पानी सोख लैंदा है, गर्मी होंगी ज्यादा जिहड़ियां सूरज दी किरणा जिहड़ियां ब्लू रेस होंदियां उहदे विचों सोख के उहदा अपना ब्लू लैक का कलर ब्लू हो जाता है। तो क्योंकि सियालों च इत्थे ठंड बहुत होंदी है, मीह पैंदा रहिंदा है, सूरज इन्ना नहीं निकलदा, उहदे करके तां पानी ग्रे हो जाता है थोड़ा जिहा, पर बहुत सोहना एरिया है। ज कदे भी आस्ट्रेलिया आओ तुसीं घूम के जाओ इत्थे, बाकी अपने वक्रे वक्रे देशों के बहुत लोग इत्थे आ के वसे हुए आ। तो आप उहदे बारे भी गल करदे आ, तो आप गल करते आस्ट्रेलिया के पास्ट बारे भी। जो आस्ट्रेलिया आप अज देखते हैं अज तो 250 साल पहलों इदा का नहीं, आस्ट्रेलिया के उत्ते आदिवासी लोग रेंदे थे इतने। तो जड़ी धरती के उत्ते आप खड़े हाँ, आ जड़ी धरती आ बवंडिक कबीले जोड़े उतों के आदिवासी से उन्हों की धरती मनी गई है। तो अज भी जोड़े इतने के लोग आ बहुत सत्कार करते बवंडिक ट्राइब का, तो कुछ ज़्यादा लोग नहीं बचे उस ट्राइब के, पर फिर भी थोड़ी फैमिलीज है। आस्ट्रेलिया के बाकी जो वक्रे वक्रे हिस्से आ वक्रिया वक्रिया ट्राइब्स के अंदर थे, तो कई बार आ जड़िया ट्राइब्स है आपस में लड़दिया भी सगिया, तो रेंदे मिलके भी रेंदे थी आपस के, पर जदों तक कोलोनाइजेशन हुई है अपने ब्रिटेन वालों की गई है आस्ट्रेलिया का रंग रूप बदल गया है, पर फिर भी कुदरती जोड़े स्रोत उन्होंने बड़े प्यार रख्या होया, वधिया तरीके रखते पे आ। तो आस्ट्रेलिया पहलों भी आदिवासियों का देश सीगा, अज भी आ जड़े उन्होंने सत्कार है हर बंदे दे विच इत्थे, तो उन्होंने फस्ट नेशन दे लोग कहने आप, ठीक है। तो पहलों आप गल कर ली है क्रैटर लैक्स की या वोल्केनोस वोल्केनोस की, तो आप ट्राइब्स की गल भी की है थोड़ी जी, आने वाली वीडियो के आप विस्तार न गल करा, अपने को टाइम उन्ना ही होंगे, पर आप करा गल, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा तुहानू। तो जी दूजी गल है, एक होर जरा करंट सिचुएशन है आस्ट्रेलिया की, मल्टी कल्चरल कंट्री है, इतने दुनिया के हर देश के लोग आके वसे हुए हैं। इतने मेरा डॉक्टर है जरा पाकिस्तानी है अपना वीर, बहुत वधिया डॉक्टर है। तो जिन्ना को मैं ग्रोसरी लैके आने कोई वियतनाम तो आया हुआ है, कोई मलेशिया तो, कोई इंडोनेशिया तो, चाइना तो, कोई साउथ अफ्रीका तो, कैनेडा तो, USA तो, यूरोप दी वक्रिया वक्रिया कंट्रियां तो। आस्ट्रेलिया बहुत वधिया देश है, हर देश के लोग इत्थे मिल जाने तुहानू, बस आही है भी अपना वधिया तरीके नाल लॉ फॉलो करो, अपना वधिया तरीके नाल रहो इत्थे। ते जे आपां करिए रेसिज़म दी गल, पिछले 15 सालों के जिथे मैं फील होया लगता भी, दो बार मैं फील होना भी मेरे भेदभाव होया थोड़ा जिहा, पर 15 साल दो बार देख लिया कुछ भी नहीं गा ना। तो बाकी जो आप हर गल एक भेदभाव के तरीके ले ली, वह भी माड़ी गल है। जो मान लो भी हूँ मैं स्पीडिंग करता पाया है ना, तो कोई पुलिस वाला रोक लेंदा मैं, तो उन्हें तो मैं स्पीडिंग करके रोकया है, तो मैं कल कहूँ क्योंकि मैं इंडियन ने तो रोकया, फिर मेरे वास्ते माड़ी गल है ना, भावें ब्लेम करिए किसी,
ਵੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰਹੋ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਆ। ਐਂਡ ਜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਉ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਡਰੋਨਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ ਲੈਕ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ।